Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का मेहंद्राज ऑफिसियल यूट्यूब चैनल पर आपकी सबसे फेवरेट क्लास जिसको हम लोग कहते हैं रेलवे एन की क्लास और आज देखिए डिटेल में संपूर्ण जानकारी पढ़ने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी रहेंगे लेकिन पहले पूरा आपका डिटेल मोड में रहने वाला है दिल्ली सल्तनत और मुगल यानी कि आज की क्लास में हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में डिस्कस करने वाले हैं इसके बाद में मुगल भी चलेगा आपका और यह संपूर्ण जानकारी यानी कि पूरा डिटेलिंग मोड में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ठीक है भैया नमस्कार सारे लोगों को सब लोग प्रणाम लिख रहे हैं भैया नमस्कार गुड इवनिंग सारे लोगों को बिल्कुल भैया शुक्ला जी वेरी गुड इवनिंग ठीक है चलिए शुरू करते हैं और आज के क्लास में डिटेल पूरा आपका गुलाम वंश खिलजी वंश ये सारे वंश हम लोग बहुत डिटेल मोड में डिस्कस करने वाले हैं नोट जरूर करते जाइएगा बीच में हम क्वेश्चन जरूर बताएंगे कि इस इस तरीके से आपके क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप हो सकते हैं तो ये जरूर आपको नाम रखना भाई आदित्य जी आपका भी नाम ले लिया भाई ठीक है बढ़िया से पार्टिसिपेट करिए और बढ़िया से आंसर जरूर करना है अगर कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आए तो आपको फटाक से यहां पर पूछना जरूर है ठीक है भाई आदित्य जी आपका नाम ले लिया चलिए शुरू करते हैं अब देखो बिहार एस SI, आई मेन्स का जितने भी बच्चों को एग्जाम देना है वो सभी हमसे ट्वेंटी फाइव डेज प्रोग्राम है बिहार एस SI, आई मेन्स के लिए इस क्लास में हमसे जुड़ना मत भूलिए जिन बच्चों ने भी बिहार का एग्जाम पास किया है वो सारे के सारे बच्चे हमसे लाइव गुरु के माध्यम से जुड़ सकते हैं करना क्या है आपको माइसॉप डॉट महेंद्रा डॉट ओ आर जी पर लॉग इन करिए और इसके माध्यम से ये जो ट्वेंटी फाइव डेज कोर्स है इसको आप लोग अवेल करिए इसमें एडमिशन ले लीजिए और ये बारह तारीख से बारह मार्च से आपका ये क्लास स्टार्ट होने वाला है तो बारह मार्च से ताबड़तोड़ जिसमें बिहार जीके का और मैंने स्पेशल डिजाइन किए हैं मॉक टेस्ट जो कि आपके बिहार एसआई SI मेंस ओरिएंटेड टेस्ट होंगे तो इस क्लास को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा अरे वह पल्लवी जी आपका भी नाम ले लिया आपने बिहार एस SI क्या पास किया है प्रीलिम्स एग्जाम हां भाई बिल्कुल तीन महीने का करंट अफेयर जरूर लेके आएंगे देखिए महेंद्राज इसी देखिए ये जो लिंक चल रहा है इस लिंक पर आप लोग क्लिक करेंगे और हमसे सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएंगे ठीक है सीधे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के लिए इसी लिंक पर क्लिक करिए और सीधे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए आलोक टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम ग्रुप उस पर आप लोग हमसे सीधे जुड़ सकते हैं और वहां पर चाहे जेपीएससी की तैयारी है चाहे आपकी बीपीएससी की तैयारी है चाहे आपकी वेस्ट बंगाल पीएससी का एग्जाम दे रहे हैं ये सारे के सारे बच्चे हमसे जुड़ सकते हैं जैसा कि बच्चे लिखते हैं सर मैंने वेस्ट बंगाल का एग्जाम क्वालिफाई किया बहुत बहुत धन्यवाद आपकी क्लास से बहुत सपोर्ट मिला तो बिल्कुल इसी लिंक पर क्लिक करिएगा और सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा ठीक है चलिए शुरू करते हैं दिल्ली सल्तनत से स्टार्ट करते हैं दिल्ली सल्तनत पर यहां पर हम लोग देख सकते हैं तीन वंश तीन वंश देख सकते है? नहीं, हैं नहीं पांच वंश है कितने हैं पांच वंश है पांच वंशों ने शासन किया पहला क्वेश्चन ठीक है पहला वंश है ममलूक या गुलाम वंश इसको गुलाम वंश कहना ज्यादा उचित है तो याद रखना है गुलाम वंश पहला वंश है 1206 से 1290 तक शासन किया है दूसरा है खिलजी वंश 1290 से 1320 तक शासन किया है ठीक है भाई फिर है तुगलक वंश 1320 से 1414 तक शासन किया है और फिर है सैयद वंश 1414 से लेकर के 1450 तक और फिर है लोधी वंश 1450 से 1526 तक तो देखिए दो तीन क्वेश्चन बने कितने वंश पांच वंश पहला वंश गुलाम वंश अंतिम वंश लोधी वंश अब नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे अधिक समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला वंश तो गुलाम वंश गुलाम वंश नहीं तुगलक वंश क्या हो जाएगा तुगलक वंश और सबसे कम समय तक शासन करने वाला दिल्ली सल्तनत पर वंश तो आपका आंसर क्या आ जाएगा खिलजी वंश ठीक है मैं यहां पर लिखे दे रहा हूं देखिए जो तुगलक वंश है यहां पर मैंने लिख दिया मैक्सिमम और खिलजी में लिख दिया मैंने मिनिमम मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन तक रूल करने वाला डायनेस्टी कौन था दिल्ली सल्तनत पर तुगलक और मिनिमम टाइम ड्यूरेशन तक रूल करने वाला तो आंसर हो जाएगा खिलजी पहला हो गया दास और अंतिम क्या हो गया आपका लोधी गुलाम और लोधी इतनी बात समझ में आ गई भैया इतनी बात समझ में आ गई पांच वंश कहां कहां पर शासन किए भैया दिल्ली सल्तनत है तो दिल्ली पर ही है। शासन रहा है कैपिटल बीच में एमबीटी साहब ने बदलने की कोशिश की लेकिन फ्लॉप रहा और इसीलिए एमबीटी साहब की जितनी योजनाएं थी सब फ्लॉप हुआ मोहम्मद बिन तुगलक की ठीक है चलिए अब हम लोग यहां पर गुलाम वंश को डिस्कस करते हैं 1206 से 1290 तक शासन किया है गुलाम वंश ठीक है संस्थापक की बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक है लेकिन वास्तविक नहीं वास्तविक नहीं माना जाता है लेकिन संस्थापक है ठीक है गुलाम वंश का संस्थापक है और यह कुतुबी वंश का है कुतुबी वंश का है यह आपको याद रखना है और ऐबक द्वारा स्थापित किया गया अगर पूछा जाए कुतुबुद्दीन ऐबक में ऐबक का अर्थ क्या है तो आप याद रखेंगे चंद्रमा का देवता ऐबक का जो अर्थ है उसका मतलब है चंद्रमा का देवता ऐबक का अर्थ होता है भैया बात समझ में आ गई अरे भाई सचिन जी रिकॉर्डेड नहीं लाइव हूं मैं आपका देखिए कमेंट पढ़ रहा हूं हंसी लिखा रिकॉर्डेड मोड में भी रिकॉर्डेड नहीं है सचिन जी लाइव है ठीक है मैं लाइव आपके सामने साक्षात सजीव हूं ठीक है अब देखो मोहम्मद गौरी का सबसे भरोसेमंद दास है कौन कुतुबुद्दीन ऐबक ठीक है बात समझ में आ गई अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहां पर बनाई लाहौर इसीलिए कभी भी दिल्ली सल्तनत का संस्थापक तो हम लोग कहते हैं अबक को लेकिन वास्तविक नहीं कहते वास्तविक संस्थापक दिल्ली सल्तनत का हम लोग हमेशा इलतुतमिस को कहते हैं इलतुतमिस को कहते हैं ना वास्तविक संस्थापक कौन है इलतुतमिस लेकिन संस्थापक पूछा जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक कारण क्या है ऐबक ने हमेशा अपने शासन को कहां से कंट्रोल किया अपनी राजधानी लाहौर बनाई और इल्तुतमिस वाज द फर्स्ट सुल्तान जिसने की अपनी राजधानी दिल्ली बनाई थी इसीलिए उसको वास्तविक संस्थापक कहती इतनी बात समझ में आ गई भैया सचिन जी अब तो बात समझ में आ रही कि मैं लाइव हूं रिकॉर्डेड नहीं है ठीक है बात समझ में आ गई आगे बढ़ते हैं इसकी उपाधि है लाख बक्स लाख बक्स के मतलब लाखों का दान करने वाला लाखों का दान करने वाला अगर पूछा जाएगा तो वो कौन है कुतुबुद्दीन ऐबक लाखों का दान करता है इसलिए उसकी उपाधि लाख बक्स है इसके अलावा एक उपाधि है कुरान ख्वा कुरान ख्वा है एक उपाधि है पील बक्स दोनों याद रखनी है लाख बक्स कुरान ख्वा पील बक्स लाखों रुपए दान करने के कारण लाख बक्स कुरान का पाठ याद है उसको बहुत अच्छी आवाज में सुनाता है इसलिए कुरान ख्वा पील बक्स हाथियों का दान करता है इसीलिए उसको पील बक्स भी कहा गया है तो तीनों आपको ये याद रखना है अब अगर हम बात करें इनके निर्माण शैली इनके स्थापत्य तो स्थापत्य में कुत इस्लाम मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इस्लाम मस्जिद बनवाई गई और अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया गया अब देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा क्वेश्चन यह बनेगा कि भाई ये तो मस्जिद है ये कहां पर है दिल्ली में है लेकिन क्वेश्चन बनेगा अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहां पर है तो अजमेर में लेकिन यह पूछा जाए कि अढ़ाई दिन का झोपड़ा है क्या तो आंसर क्या हो जाएगा अढ़ाई दिन का झोपड़ा भी मस्जिद है जो कि अजमेर में स्थित है और उल इस्लाम भी आपकी मस्जिद है बात समझ में आई इतनी ठीक है आगे बढ़ते हैं अब देखिए यहां पर हमने एक नोट लिखा हुआ है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद इज द फर्स्ट मॉस्क्यू इन इंडिया ठीक है इसको मानते हैं भारत की पहली मस्जिद कुब्बतुल इस्लाम को माना जाता है बहुत जगह आप लोग पढ़ेंगे सर चेरामन हुए। चेरामन नहीं, इसी को पहली वास्तविक मस्जिद हम लोग मानते हैं भारत की पहली मस्जिद को ही मानती बात समझ में आ गई भाई हां भैया बिल्कुल याद है जोगेंद्र सिंह जी लेकिन यहां पर नींद नहीं है वो तो कभी आप अगर कमेंट बॉक्स में पूछेंगे तो हम जरूर बताएंगे ठीक है क्लियर है हो गई बात आगे बढ़ते हैं अब देखिए एक और बिल्डिंग का निर्माण कराया गया कुतुबुद्दीन साहब के द्वारा इन्होंने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में उनके सम्मान में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू किया अब यह कुतुब मीनार का निर्माण कार्य इन्होंने शुरू तो कर दिया लेकिन यह उसे पूरा नहीं करा पाए पूर्ण नहीं करा पाए और पूर्ण कराया कौन इनके दामाद इनके दामाद और अगले सुल्तान जिसका नाम है इल्तुतमिश ठीक है तो कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू किसने किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने और उसको पूरा किसने कराया शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने इतनी बात समझ में आ गई ठीक है इसके बाद में इल्तुतमिश ने 1232 में कुतुब मीनार को पूरा करवा दिया और यही इल्तुतमिश जो है इल्तुतमिश का अगर अर्थ पूछा जाएगा तो साम्राज्य का स्वामी होता है इलतुतम का अर्थ पूछा जाए तो साम्राज्य का स्वामी इलतुतम का अर्थ होता है यह पॉइंट याद रखना है और यह दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक है क्यों है वास्तविक संस्थापक इसने अपनी राजधानी दिल्ली बनाई और एबक हमेशा लाहौर से ही शासन को संचालित करते रहे इतनी बात क्लियर इसके बाद में अगर हम बात करें लाहौर में चौगान पोलो खेलते समय 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है तो अगर पूछा जाए कौन सा ऐसा दिल्ली का सुल्तान था जो पोलो या चौगान खेलते समय जिसकी मृत्यु हो गई तो आप लोग बता सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की अब देखिए यहां पर कुतुब मीनार की बात आई है तो हम जरूर बताएंगे इसको समझना देखो कुतुब मीनार की जब भी हम बात करते हैं तो कुतुब मीनार का निर्माण किया ऐबक ने शुरू कराया पूरा कराया ठीक है? उसके बाद में कालांतर में इस पर बिजली गिर गई बहुत जगह प्रमाण मिलते हैं भूकंप से यह ढह गया इसकी एक मंजिल गिर गई फिरोज शाह तुगलक आए तुगलक आदर्श सुल्तान उसने क्या किया इस एक मंजिल की जगह पर दो मंजिल बनवा दी और यह कुतुब मीनार हो गई पांच मंजिल कितने मंजिल हो गई पांच मंजिल तो कुतुब मीनार को अंतिम रूप से रेनोवेट करने का क्रेडिट जाता है फिरोज शाह तुगलक को तो तीन लोग जुड़े हुए हैं कुतुबुद्दीन ऐबक इलतुतमिस और फिरोज शाह तुगलक ये तीनों पर्सन कुतुब मीनार से जुड़े हुए ठीक है भैया बात समझ में आ गई चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम इलतुतमिस के बारे में पढ़ते हैं इलतुतमिस ने शासन किया बारह से लेकर के बारह के बीच में थी। ठीक है इलतुत प्रथम इलवरी राजवंश का है 1210 से 1236 के बीच में शासन किया और गुलाम बंश का वास्तविक संस्थापक दिल्ली सल्तनत का भी वास्तविक संस्थापक और इसने अपनी राजधानी लाहौर से कहां बनाई दिल्ली तो देखिए क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा वास्तविक संस्थापक क्यों कहा जाता है तो सीधे सीधे कहेंगे कि वास्तविक संस्थापक कहने का सबसे बड़ा कारण कि राजधानी अपनी ट्रांसफर कर ली कहां से लाहौर से दिल्ली और दूसरा जो खलीफा से मान्यता प्राप्त हुआ पहला सुल्तान भी ये इलतुतमिस होता है तो ये दो कारण है जिसके कारण इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए ठीक है भैया यहां तक मजा आया चलिए आगे बढ़ता हूं अब देखिए इसने क्या किया इसने प्योर अरेबिक पैटर्न पर करेंसी सिस्टम को लॉन्च किया शुद्ध अरबी अरबी पद्धति पर सिक्के चलाए और सिक्के कौन कौन से चलाए एक तो टंका चलाया और दूसरा कौन सा चलाया जीतल चलाया ठीक है एक टंका और दूसरा जीतल अब देखो एक कोड याद रखना है चाटा और एक कोड याद रखना है ताजा चा से चांदी टा से टंका ये हो गया चांदी का टंका तासे तावा, जासे जीतल ताबे का जीतल हो गया ये दोनों सिक्के कुतुबुद्दीन एबक नहीं इलतुदमिश के द्वारा चलाए गए तो चांदी का टंका याद रखना है तांबे का जीतल किसके द्वारा चलाए गए इल्तुदिश के द्वारा ठीक है भैया आगे बढ़ते हैं इसने भारत में पहली बार एकता प्रणाली की शुरुआत की अब यह एकता है क्या एकता एक अरबी शब्द है अरेबिक शब्द है जिसका अर्थ होता है लैंड लैंड के मतलब भूमि या हम कह सकते हैं पार्ट ऑफ द लैंड यह इक्ता का अर्थ होता है यानी कि कोई भी एंप्लॉय अगर काम कर रहा है तो उसको कैश में सैलरी देने का कोई प्रोविजन नहीं है उसको दे दिया जाएगा एक भूखंड और उसे कहा जाएगा भैया इससे अपना सैलरी लो और जो कुछ भी बचे मान लीजिए फाइव थाउजेंड किसी एंप्लॉय की सैलरी थे हम एक एग्जांपल लेते हैं तो उससे कहा गया भैया ये जमीन का टुकड़ा इससे आप अपनी फाइव थाउजेंड रुपीज लीजिए और मान लीजिए इससे उसने कमा लिए दस हजार रुपए तो उसकी सैलरी तो फाइव थाउजेंड है ना तो ये जो बचा हुआ फाइव थाउजेंड है ये कहलाएगा फवाजिल सरप्लस कहेंगे और यह फवाजिल राजकोष में जमा करना पड़ेगा कहां पर जमा करना पड़ेगा राजकोष में जमा करना पड़ेगा ये बेसिकली एकता सिस्टम कहलाता था इसके बाद में क्या हुआ इसने अपने वफादार चालीस गुलामों की एक टुकड़ी बनाई और यह चालीस गुलामों की टुकड़ी क्या कहलाई चालीसा क्या कहलाई चालीसा अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन और समझना है कि आखिरकार चालीसा बनाने की जरूरत क्या पड़ी देखो दरबार में तुर्की अमीर हैं यह तुर्की अमीर चाहते हैं कि बादशाह इनकी मनमर्जी का बने कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई इन तुर्की अमीरों ने कुतुबुद्दीन ऐबक के एक ऐसे नाकारा पुत्र को राजा बना दिया जिसका नाम है आराम शाह भैया उसका नाम ही है आराम शाह आराम करने वाला व्यक्ति और उसने आराम शाह को राजा बना दिया और आराम शाह और इतुतम के बीच में युद्ध होता है जिसमें आराम को पराजित करता है और बाद में इतु दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनता है ठीक है अब यह तुर्की अमीर हमेशा बीच बीच में इंटरफेयर करते रहेंगे तो इनकी पावर कम हो जाए इसके लिए क्या किया अपने 40 वफादार गुलामों की टुकड़ी बनाई और कहा कि भैया इनको देखते रहना ये बहुत छटपटाते हैं ये इनका छटपटाना जो है ये कम करना है तो इसीलिए ये तुर्कान चहलगानी या चालीसा का निर्माण किया गया बात समझ में आ गई इतनी क्लियर हो गई बात इसके बाद में एक और सुल्तान बना इल्तुतमिश के बाद में जो है रुकनुद्दीन फिरोज शाह अब रुकनुद्दीन फिरोज शाह इल्तुतमिश का एकमात्र पुत्र है जिसको कि बना दिया गया सुल्तान बात समझ में आ गई अब सुल्तान बन गया इसकी मां का नाम है साहतुर और ये रुकनुद्दीन फिरोज भी बहुत बिलासी व्यक्ति है अपना पड़ा रहता है दिल्ली की जनता बहुत त्रस्त है इससे सब चाहते हैं कि ये जल्दी से हटे लेकिन पूरी पावर किसके पास में है साहतुर खान साहतुर खान एक बहुत क्रूर महिला है अब दिल्ली की पब्लिक परेशान है उसने क्या किया रजिया एक दिन शुक्रवार का जुमे का दिन होता है सभी मुसलमान मस्जिद के बाहर नमाज अदा करने के लिए आते हैं रजिया वहां लाल वस्त्र पहन के आती है और दिल्ली की पब्लिक रजिया को सुल्तान घोषित करती है और शाहतुर खान और इसके पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को कैद करके जेल में डलवा देती है और इस तरीके से दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली पहली महिला मुस्लिम शासिका बन जाती है रजिया सुल्तान यहां तक बात समझ में आई भैया देखो तो क्लियर कट समझिए यहां तक एकदम क्लियर हुआ ठीक है अब रजिया सुल्तान बन गई यहां पर शासिका वह भारत पर शासन करने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला थी यह आपको याद रखना है और उसने क्या किया शाही घोड़ों के मलिक के रूप में एक अभी ऑफिसर जमालुद्दीन याकूत को अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया अब देखो यहां पर बड़ा एक बहुत सारे लोग ऐसा लिखते हैं हिस्टोरियंस ने लिखा है कि भैया ये जमालुद्दीन याकूत और रजिया के बीच में कुछ था कुछ था कि मतलब समझ गए कि कुछ उनका आपसी लगाव था ठीक है ऐसा बहुत सारे इतिहासकारों ने लिखा हुआ है लेकिन रजिया बहुत समय तक शासिका नहीं रह पाई और 1240 में रजिया का पतन हो जाता है रजिया जब सुल्तान बन गई तो सबसे ज्यादा दिक्कत किसको तुर्की अमीरों को अब तुर्की अमीरों को सबसे ज्यादा दिक्कत तुर्की अमीर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि कोई महिला उनके ऊपर शासन करे तो रजिया ने क्या किया अब महिलाओं के कपड़े त्याग दिए अब पर्दा प्रथा को त्याग दिया खुले चेहरे के साथ कबा और कुलाहा कबा के मतलब ओवरकोट और कुलाहा के मतलब टोपी कबा और कुल्हा पहन करके दरबार में आने लगी और सबसे ज्यादा समस्या इनको होने लगी जो थे तुर्की अमीर ठीक है उसके बाद में भटिंडा का गवर्नर है अल्तुनिया उसके खिलाफ विद्रोह किया और उसे कैद के रूप में कब्जा कर लिया लेकिन बाद में अल्तुनिया से ही विवाह कर लिया रजिया ने तो रजिया से अगर विवाह पूछा जाए तो अल्तुनिया के साथ में किया था उसके बाद में एक युद्ध में डाकुओं द्वारा पराजित हुई और रजिया की बाद में हत्या कर दी गई इस प्रकार से रजिया सुल्तान का पतन होता है फिर यहां पर शुरू हो जाता है कमजोर शासकों का शुरुआत ठीक है ये कमजोर शासक कौन है इनकी अवधि है 1240 से बारह रजिया सुल्तान की मृत्यु के बाद कमजोर शासकों ने सिंहासन पर चढ़ाई कर दी जिसे कुलीनों द्वारा समर्थित किया गया था देखिए जो तुर्की अमीर है वो सब कुलीन हैं। इनमें बहराम शाह मसूद शाह और नसरुद्दीन महमूद ये कुछ शासक हैं जो कि तुर्की अमीरों की कठपुतली किसकी कठपुतली है तुर्की अमीरों की कटपुतली इतनी बात समझ में आ गई क्लियर है अब हम बात करते हैं गुलाम बंश के प्रमुख और बहुत महत्वपूर्ण शासक गयासुद्दीन बलवन की ठीक है गयासुद्दीन बलवन की हम बात करते हैं गयासुद्दीन बलवन जब सुल्तान बना वाद दूसरा इलवरी वंश का पूरा नाम है गयासुद्दीन बलवन उसे तुर्की कुलीन के विजेता के रूप में कार्य किया टुकड़ी बनाई जिसको तुर्कान चहलगानी या चालीसा कहते हैं बलवन उसी चालीसा का मेंबर है इस बलबन ने इस चालीसा का नाश किया इस चालीसा को समाप्त किया किसने बलबन ने और चालीसा को समाप्त करके अपने आप को दिल्ली सल्तनत का यहां पर सुल्तान घोषित किया तो यह याद रखिएगा बलवन वॉज ऑल्सो द मेंबर ऑफ तुर्कान ए चहलगानी इतनी बात समझ में आ गई और यह कौन है एक इलवरी वंश से है पूरा नाम है गयासुद्दीन वलवन और अपने आप को क्या कहता है कि मैं अफरा सियाब वंश का हूं क्या कहता है अफरा सियाब वंश का अपने आप को यह बताता है ठीक है भैया नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा आपको आप सब्सक्राइब करिए चैनल को तो नोटिफिकेशन जरूर मिलेगा ठीक है क्लियर है आगे बढ़ते हैं अब देखिए बलबन ने और क्या किया तुर्की दास के 40 समूह से संबंधित था जैसा कि हमने बताया उन्होंने शाही राजशाही की शक्तियों को बहाल करने के लिए चहलगानी की ताकत को तोड़ दिया यानी कि चहलगानी को समाप्त कर दिया इसके बाद में बलबन ने एक मजबूत और केंद्रीकृत सरकार की स्थापना की उसने मजबूत सेना के लिए दीवाने अर्ज याद रखिएगा आरिज दीवाने आरिज एक सैन्य विभाग बनाया और यह सैन्य विभाग क्यों बनाया तो याद रखिएगा मंगोल आक्रमण का सामना करने के लिए किसके करने के लिए मंगोल आक्रमण का सामना करने के लिए यह तुर्कान चहलगानी बनाया क्लियर हो गई भैया बात यहां तक बात समझ में आई ठीक है इसके बाद में उसने कानून व्यवस्था की समस्याओं को समाप्त करने के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई रक्त और लौह की नीति मतलब समझते हो ना इसका एक सीधा सा एक कॉन्सेप्ट था कि जो राजा है वो राजा इस पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि कौन है ईश्वर का प्रतिनिधि है राजा ठीक है राजा जो है वो ईश्वर की छाया है और सीधा सा कॉन्सेप्ट था किंग कैन डू नो रॉन्ग राजा कभी गलत नहीं करता है ठीक है ना इसी पॉलिसी पर ये हमेशा चलता रहा और इसने अपने दरबार में सिजदा और पैबोस प्रथाएं शुरू की सुल्तान की गरिमा बनी रहे सिजदा के मतलब सुल्तान के सामने बलवन के सामने जो भी आएगा झुक करके सलाम करेगा पैबोस के मतलब उसके पैरों में लेट जाएगा उसके पैरों को चूमेगा यह सिजदा और पैबोस सिस्टम ये दोनों गयासुद्दीन बलवन के द्वारा चलाए गए घुटनों के बल नहीं कहेंगे पैरों में लेट करके पैरों को चूमना पैबोस सिजदा के मतलब झुक करके अभिवादन करना यह सिजदा था और दोनों के दोनों ये ईरानी प्रथाएं थी ठीक है इसके बाद इसने जैसे नया साल का त्यौहार होता है वैसे ईरानी एक एक त्योहार नवरोज जिसका अर्थ है नववर्ष यह भी अपने दरबार में मनाना शुरू कर दिया अपने आप को स्वयं नियाबत खुदाई कहता था अपने आप को जिल्ली इलाह कहता था जिल्ले इलाही नहीं कहोगे जिल्ले अकबर हो जाएगा यहां पर जिल्ली इलाही या जिल्ली भी अपने आप को यह कहता था ठीक है इसके बाद में गुलाम वंश में कमजोर शासक आ जाते हैं एक हैं देखिए क्यूमर्स अब देखिए यहां पर हम क्रम लिखे दे रहे कै खुसरो है सबसे पहले कैकुबाद कैकुबाद कै खुसरो और फिर क्यूमर्स ये तीनों के तीनों गुलाम वंश के अंतिम शासकों की सीरीज में आते हैं और सबसे अंतिम कौन सा हो जाता है आपका क्यूमर्स ये गुलाम वंश का अंतिम शासक होता है इसी को पराजित करके मार के राजा बनता है कौन जलालुद्दीन खिलजी और एक नए वंश की शुरुआत हो जाती है वो तो नया वंश कौन सा हो जाता है खिलजी वंश यहां तक भैया समझ में आई क्या हिस्ट्री में इतना कैसे याद रखूं मजा आ रहा है ना सुरेंद्र बहादुर समझ में आया ठीक है भाई ठीक है चलिए अब हम खिलजी वंश देखिए क्यूमर्स गया मलिक फिरोज खिलजी ने मार दिया और स्थापना कर दी खिलजी वंश की यही भारतीय इतिहास में खिलजी क्रांति भी कहलाती है क्या कहलाती है यह खिलजी क्रांति भी भारतीय इतिहास में कही जाती है अब जलालुद्दीन मलिक फिरोज खिलजी यह 1290 से बारह तक खिलजी वंश का संस्थापक है लेकिन खिलजी वंश कब से कब तक चला 1290 से 1320 तक और सबसे कम समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला यह वंश भी रहा खिलजी वंश की स्थापना बारह में मलिक फिरोज ने की और जलालुद्दीन खिलजी का उसने खिताब धारण किया तो यह पॉइंट आपको याद रखना इसके बाद में अगर हम बात करें उसने तुर्की कुलीनता के अधिकार की जांच की और सही सुरता की नीति का भी पालन किया ठीक है ना जलालुद्दीन मलिक फिरोज खिलजी ने जलालुद्दीन मलिक फिरोज खिलजी खिल की अगर और हम बात करें इसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने बारह में देवगिरी पर विजय के बाद में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी यानी कि भतीजे ने चाचा को मार दिया और यह भी भारतीय इतिहास में है एक भारतीय इतिहास में पिता को पुत्र ने मारा कौन से वंश में हरेख में देखो समझना है और यहां पर चाचा को किसने मारा उसके भतीजे श्री ने यह भी भारतीय इतिहास में यहीं पर दिखता है और एक जगह पिता ने पुत्र के लिए गद्दी भी त्याग दी कहां पर मौर्य वंश में और किसने चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने पुत्र बिंदुसार के पक्ष में गद्दी त्याग दी और चला जाता है श्रावण बेलगोल कर्नाटक ठीक है भैया बात समझ में आ गई ना ये सारी चीजें याद रखना है अब हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी जो कि खिलजी वंश का एक महत्वपूर्ण शासक है यहां से क्वेश्चंस बहुत बनते वास्तविक नाम प्रारंभिक नाम है अलाउद्दीन खिलजी का अली गुरशास्प याद रखना है ठीक है और अलाउद्दीन खिलजी खिलजी राजवंश का सबसे शक्तिशाली शासक भी है खिलजी राजवंश का सबसे शक्तिशाली शासक भी है ठीक है इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का पहला सुल्तान जिन्होंने धर्म को राजनीति से अलग किया और घोषणा की कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता यह स्टेटमेंट पूछा जा चुका है कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता है यह किसने कहा तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ऐसा कहा गया और अलाउद्दीन खिलजी ने सीधे सीधे एक स्टेटमेंट दिया था बड़ा अच्छा है उसने कहा था सरा क्या है सरियत क्या है भला इससे मेरा क्या है वास्ता मरने के बाद में जन्नत मिलेगी या जहन्नुम या दो जख की आग मेरा तो वास्ता सिर्फ यह है कि मैं जनता का कल्याण कर सकूं ऐसा अलाउद्दीन खिलजी का कहना था यानी कि सरियत के मतलब इस्लाम का जो कानून है उसने कहा मैं वही पालन करूंगा जिसमें मेरे की जनता खुश रहेगी ऐसा अलाउद्दीन खिलजी का एक स्टेटमेंट बहुत प्रसिद्ध माना जाता है, है? ठीक उसने क्या किया एक साम्राज्यवादी और सम्मिलन नीति का पालन किया गुजरात रणथंबोर मालवा मेवाड़ इन सभी पर उसने कब्जा किया याद रखना है इसके बाद में 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ के शासक राजा रतन सिंह की पद्म पत्नी पद्मनी से विवाह करने के लिए मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ पर आक्रमण किया और एक फिल्म आई थी संजय लीला भंसाली की जो कि बहुत प्रसिद्ध थी जिसको हम लोग कहते हैं जो बहुत प्रसिद्ध एक फिल्म आई थी पद्मनी वाली जो आपको याद है पद्मावत जो बाद में पद्मावत के नाम से प्रसिद्ध हुई ये फिल्म भी इसी पर थी उसमें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में दिखाया गया कुछ सही दिखाया गया कुछ गलत भी दिखाया गया है ये भी आप लोग याद रखें क्योंकि फिल्म में मसाला जरूर लगेगा मसाला नहीं लगेगा तो फिल्म चलेगी नहीं ठीक तो हिस्ट्री से जब कंपेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीजें अलग दिखाई पड़ेंगी वहां पर ठीक है आगे बढ़ते हैं अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी की जो पदमावत है यह मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई और यह पद्मनी प्रकरण के बारे में एक ऐतिहासिक महाकाव्य है और अब हम कहेंगे इस पर भैया फिल्म भी बन चुकी है जो बहुत प्रसिद्ध फिल्म रही बहुत सारे लोगों ने इसको देखा भी है मलिक मोहम्मद जायसी किसके समय का है यह शेरशाह सूरी का दरबारी कभी है अब देखिए अलाउद्दीन खिलजी और शेरशाह सूरी में बड़ा अंतर है अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत में है और शेरशाह सूरी मुगल वंश में है यह आपको याद रखना है ठीक है भाई बात समझ में आ गई इतनी आगे बढ़ते हैं अब हम बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना को बरकरार रखने वाला और नगद वेतन देने वाला सुल्तान था अभी तक वेतन किसमें मिलता था इक्ता में इसने कहा अब सैनिकों को वेतन कैसे मिलेगा नगद में क्वेश्चन बनेगा नगद में वेतन देने वाला सुल्तान कौन था तो आंसर क्या हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी इक्ता व्यवस्था को किसने समाप्त किया तब भी आंसर क्या हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी तो दोनों में आप लोग अलाउद्दीन खिलजी ही लगाएंगे ठीक है आगे बढ़ती अब प्रशासनिक सुधारों में अगर हम इसको देखते हैं इसने दाग प्रणाली और चेहरा यानी कि हुलिया प्रणाली को लागू किया अब ये दाग है क्या चेहरा क्या है देखो समझना है सुल्तान की बहुत बड़ी सेना है उस सेना पर घोड़ा भी है उस सेना में और सोल्जर्स भी हैं सिपाही भी हैं तो घोड़े के पुट्ठे पर एक सरकारी मोहर लगाई जाती थी ये दाग कहलाता था चेहरा के मतलब वो उस सैनिक जिसको वो घोड़ा अलाट है उस सैनिक का पूरा हुलिया रखा जाता था कितना लंबा कितना चौड़ा कैसा दिखता है ये दोनों चीजें दाग और चेहरा कहलाती थी यह सिस्टम भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा शुरू किया गया ठीक है इसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने प्रशासनिक सुधारों में जमींदारी प्रथा को समाप्त किया और मवेशियों पर कर लगाया किस पर मवेशियों पर जो जानवर थे उन पर कर लगाया कर निर्धारण है तो जमीन के माप को पेश करने वाला वह दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक था और एक बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम लोग कहते हैं मुस्तखराज दीवाने मुस्तखराज यह दीवाने मुस्तखराज की भी स्थापना भी इसके द्वारा की गई यह कैसा था यह आप लोग याद रखेंगे यह बकाया करों की वसूली बकाया करों की वसूली के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया वो था आपका दीवाने मुस्तखराज बाय अलाउद्दीन खिलजी और इसने क्या किया दोआब सेक्टर में गंगा यमुना का जो दोआब बहुत प्रोडक्टिव एरिया है बहुत ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र है वहां पर पचास प्रतिशत कर लगा दिया तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है दोआब में पचास प्रतिशत तक कर लगाने वाला शासक कौन था तो आंसर क्या हो जाएगा भाई अलाउद्दीन खिलजी इतनी बात समझ में आ गई ठीक है फिर उसके बाद में इसने क्या किया एक बाजार नियंत्रण व्यवस्था लाया जिसको मार्केट कंट्रोल सिस्टम कहते हैं बाजार नियंत्रण व्यवस्था अब यह है क्या देखो समझना है अब हर एक गल्ले का भाव निश्चित कर दिया भाव निश्चित गेहूं इतने रुपए जीतल मिलेंगे चावल इतने रुपए जीतल मिलेंगे अब खुद ग्राहक बन के जाता था बाजार में कहता था भैया जरा पांच किलो चावल दे दो अब बाहर रेट लिस्ट लगी हुई है कि चावल दो रुपया जीतल मिल रहा है अब कि जो अंदर व्यापारी है उसने कहा भैया चावल चार रुपए जीतल है तो कहा बाहर तो भैया दो रुपए की लिस्ट लगी है आप तो चार रुपए दे रहे हो गए लेना हो तो लो उतनी देर में सुल्तान के सैनिक आ गए और उसको पकड़ लिया और पकड़ करके कहा भैया तुम दो रुपए जीतल ज्यादा बेच रहे हो ना तो इसके शरीर का दो किलो मांस निकाल लो समझ रहे हैं ना इतना ज्यादा ऐसा सिस्टम ले आया इससे जो काला बाजारी थी वो काला बाजारी ब्लैक मार्केटिंग पर पूरी तरीके से कंट्रोल हो गया यह बाजार नियंत्रण व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी की बहुत प्रसिद्ध है ठीक है अलाउद्दीन खिलजी का एक सपना था विश्व को जीतना इसलिए उसने स्वयं को सिकंदर कहा और अपने आप द्वितीय सिकंदर की उपाधि भी ग्रहण की तो देखिए दो क्वेश्चन बनेंगे सिकंदर ए सानी किसको कहा गया द्वितीय सिकंदर किसको कहा गया तो सीधा सीधे आप आंसर क्या दोगे अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर सानी और क्या कहा गया द्वितीय सिकंदर ठीक है आगे बढ़ते हैं अब देखिए यहां पर अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक मलिक कफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति है जिसने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया किस पर आक्रमण किया दक्षिण भारत पर आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार पर अलाई दरवाजा बनवाया अलाई किला भी अलाई फोर्ट अलाई दरवाजा दोनों बनवाया कुतुब मीनार के गेट पर उसने कुतुब मीनार के पास दिल्ली के सात शहरों में सीरी का किला जो सीरी फोर्ट है इसका निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया उसने हजार स्तंभों वाला महल जिसको हजार सितून महल कहते हैं इसका भी निर्माण कराया और ये सब की सब बिल्डिंग आपकी कहां पर है तो याद रखिएगा दिल्ली में ये सब की सब आपकी इमारतें स्थित हैं अलाउद्दीन खिलजी का जो दरबारी कवि है वो है अमीर खुसरो अमीर खुसरो के अगर प्रसिद्ध हम किताब की रचना की बात करें तो तुगलकनामा अमीर खुसरो की प्रसिद्ध रचना है अमीर खुसरो ने सात दिल्ली सुल्तानों का शासनकाल देखा था ये याद रखना है अमीर खुसरो को भारत का तोता भी कहा जाता है क्या कहा जाता है भाई अमीर खुसरो को भारत का तोता भी कहा जाता है ठीक है क्लियर हो गई बात उन्होंने उर्दू भाषा का जनक और सितार का आविष्कारक भी कहा जाता है अमीर खुसरो को उर्दू भाषा का जनक और सितार का आविष्कारक भी कहा जाता है फिर आते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बाद में मुबारक शाह खिलजी इन्होंने कहा भैया देखो हम खलीफा खलीफा से उपाधि नहीं ले पाएंगे हम स्वयं खलीफा हैं और अपने आप उपाधि धारण कर दी खिलाफत उल्लाह खिलाफत उल्लाह की उपाधि भी धारण कर दी मुबारक शाह खिलजी खिलजी वंश का अंतिम शासक इसने कहा मैं स्वयं खलीफा हूं अपने आप को खलीफा घोषित करने वाला खिलाफत उल्लाह की उपाधि धारण करने वाला मुबारक शाह खिलजी ठीक है, है? हमसे जुड़ने के लिए देखिए अभी नीचे यहां पर टेलीग्राम का लिंक चल रहा था हमारा उस लिंक पर क्लिक करेंगे और सीधे हमसे जुड़ जाएंगे डेली क्लास आपको सात बजे यहां पर मिलती है अब हम मॉक टेस्ट पर आते हैं जो हमारे क्वेश्चंस हैं सबसे पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा ठीक है निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है आंसर करिए द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और या दिया है यूके क्या आंसर होना चाहिए भैया पॉलिटी इकोनॉमिक्स जल्दी बिल्कुल बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है ठीक है बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है आंसर करिए भाई भैया सचिन जी देखो कमेंट पढ़ रहे हैं इसीलिए मैं कहता हूं जब भी हमारा लाइव गुरु का बैच शुरू होता है उसमें एडमिशन लो हर एक कमेंट वहां पर बाकायदा आपका पढ़ेंगे और हर एक प्रश्न का उत्तर देंगे इसीलिए मैं कहता हूं यूट्यूब पर सभी कमेंट पढ़ना संभव नहीं होता है आप हमारे लाइव गुरु के बैच में आइए हमारे वीडियो गुरु आप लेंगे तो आपको सारी की सारी चीजें मिलेंगी ठीक है तो लाइव गुरु में हमसे जुड़ने के लिए जरूर आप लोग ज्वाइन करिए आंसर करो भाई इसका देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बच्चे कह रहे हैं नाइनटीन नाइनटीन कुछ लोग कह रहे हैं नाइनटीन थर्टी फाइव लेकिन सही उत्तर आपका क्या है नाइनटीन थर्टी फाइव देखो एक से अगर पूछा जाए केंद्र में द्वैध शासन अगर कभी पूछा जाए और एक के थ्रू क्या हो जाएगा प्रांत में द्वैध शासन ठीक है इन दोनों से संबंधित कौन सा है 1919 का और 1935 का अधिनियम संबंधित है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम उन्नीस है और याद रखिएगा 18 जुलाई अगर पूछा जाता है तो यह आपका स्वतंत्रता विधेयक है डेट इसकी जरूर याद रखना है क्वेश्चन नंबर टू भारत के संविधान में आपातकालीन प्रावधानों को शामिल करने का विचार कहां से लिया गया आंसर करिए क्या वो अमेरिका से है कनाडा से है जर्मनी से है या आयरलैंड से है आपातकालीन प्रावधानों आपातकालीन के मतलब समझते हैं ना इमरजेंसी और इमरजेंसी कितने टाइप की है थ्री टाइप आर्टिकल तीन बावन आर्टिकल तीन सौ छप्पन आर्टिकल तीन सौ साठ तीन तरीके की है ना तीन सौ बावन में नेशनल इमरजेंसी तीन सौ छप्पन में राष्ट्रपति शासन तीन सौ साठ में आपका क्या हो जाएगा वित्तीय आपातकाल इतनी बात समझ में आ गई ठीक है भाई तो ये जो इमरजेंसी है यानी कि हम तीनों तरीके की कह सकते हैं इमरजेंसी इमरजेंसी प्रोविजन ही ये पूरा आपका लिया गया है इमरजेंसी प्रोविजन की बात करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा जर्मनी ठीक है इसको सही कर लीजिएगा ये जर्मनी आपका आपात उपबंध कहां से हो जाएगा ये जर्मनी हो गया ठीक है भाई बात समझ में आ गई अब अमेरिका से अगर हम बात करेंगे तो अमेरिका से मूल अधिकार मूल अधिकार जो हो गए वो आपके अमेरिका से हो गए तो इसको ये याद रखना है भाई इसको सही कर लीजिएगा सही उत्तर क्या हो गया आपका जर्मनी बात समझ में आ गई अब अगर डीपीएसपी पूछा जाए नीति निर्देशक तत्व तो, तो आयरलैंड से हो जाएंगे कहां से हो जाएंगे नीति निर्देशक तत्व तो आपके आयरलैंड से हो जाएंगे ठीक है भैया बात समझ में आ गई चलिए अगला प्रश्न हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा संविधान में कहां से ली गई इंग्लैंड अमेरिका या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया आंसर करिए लाइव गुरु कहां से ले देखिए लाइव गुरु के लिए माइसॉप डॉट महेंद्राज डॉट ओ आरजी पर विजिट करिए वहां से आपको लाइव गुरु की सारी क्लासेस मिल जाएंगे ठीक है हमारा एक बिहार का स्पेशल बैच जीएस का शुरू हो रहा है जो भी बच्चे उसको ज्वाइन करना चाहें अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो आपका नुकसान नहीं होगा आपको वहां से बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है बहुत सारी चीजें आप लोग सीखेंगे जरूर ठीक है नायक बताइए कहां से लिया गया अमेरिका ठीक है यूएसए आपका सही उत्तर है क्लियर हो गई बात चलिए अब देखो यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन और बनते हैं ऑस्ट्रेलिया की बात आई ऑस्ट्रेलिया क्या है एक महाद्वीप भी है और महाद्वीप के साथ एक देश भी है यह भी आपको याद रखना है कैपिटल क्या हो जाएगी कैनबरा हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी हो गई मर्रे और मर्रे की सहायक कौन सी है डार्लिंग अगर पूछा जाए विश्व में सबसे बड़ी मूंगे से निर्मित चट्टान कहां पर है गेट बैरियर रीफ तो यह भी आपका ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा मूंगे से निर्मित सबसे बड़ी चट्टान हो जाएगी अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा सही है दक्षिण अफ्रीका के सामने लिखा हुआ है फंडामेंटल राइट आयरलैंड के सामने लिखा हुआ है अमेंडमेंट प्रोविजन और ब्रिटेन के सामने लिखा हुआ है पार्लियामेंट्री सिस्टम अमेरिका के सामने लिखा हुआ है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स सही कौन सा है आंसर भैया एस एस एसएससी सीपीओ कोर्स लेना है तो निश्चित रूप से एस एस सीपीओ का भी क्लास बहुत जल्दी आएगा आपका देखो तो जिसको जो कोर्स आप लोग डिमांड करते हैं अपना कांटेक्ट नंबर जरूर नीचे छोड़ेंगे इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जब ऑफलाइन में हम कमेंट देखते हैं ना जब आपका ये क्लास खत्म हो जाता है तो वहां पर आप कॉन्टेक्ट नंबर जरूर छोड़ेंगे और वहां पर लिखेंगे डैश लगा करके कि सर मुझे इस बैच में एडमिशन लेना है तो मैं उस बैच के बारे में जरूर डिजाइन करूंगा सिलेबस आपका ठीक है वो बैच जरूर लेकर के आऊंगा ठीक है तो अपना कॉन्टेक्ट नंबर अपने नाम के साथ में और जो एग्जाम आपको देना है जो आप लेना चाहते हो एडमिशन उस एग्जाम का नाम जरूर लिखना है ठीक है आंसर करिए आंसर आ रहा है आपका सी बिल्कुल सही है यही है एक आप एकमात्र सही है डीपीएसपी अभी हमने बताया आयरलैंड से ठीक है अमेंडमेंट प्रोविजन अगर कभी पूछा जाएगा तो साउथ अफ्रीका से है अगर अमेंडमेंट प्रोविजन पूछा जाएगा कहां से लिया गया साउथ अफ्रीका से फंडामेंटल राइट right अगर कभी पूछा जाएगा तो यूएसए से लिया गया है ठीक है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भारत के संविधान ने फेडरेशन की योजना को संविधान से लिया है कहां से यूएसए कनाडा यूके या आयरलैंड फेडरेशन सिस्टम कहां से लिया गया आंसर करिए तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ध्यान से दीजिए फेडरेशन सिस्टम पूछा गया है पार्लियामेंट्री सिस्टम नहीं पूछा गया है हाँ बिल्कुल जो पॉलिटी का हम क्लास कराएंगे वो बिल्कुल आपका लाइव गुरु मोड पे हम लेके आएंगे ठीक है लाइव गुरु का आपका पॉलिटी का क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है सही उत्तर क्या हो जाएगा यूके ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं कौन सा संविधान विधि का शासन संसदीय प्रणाली और विधि बनाने की प्रक्रिया के भारतीय अवधारणाओं को प्रेरित करता है क्या वो अमेरिका का संविधान है या ब्रिटिश संविधान है या कनाडाई संविधान है या उपरोक्त सभी आंसर करिए देखो विधि का शासन संसदीय प्रणाली और विधि बनाने की शक्ति ये तीनों चीजें हैं ये कहां से अगर प्रेरित हैं तो याद रखिएगा ब्रिटेन के संविधान से ठीक है आपको यह चीज याद रखना है क्लियर हो गई बात अमेरिका के संविधान से अगर राष्ट्रपति का पद उपराष्ट्रपति का पद फंडामेंटल राइट महाभियोग प्रक्रिया जिसको आर्टिकल 61 कहते हैं इंपीचमेंट यह सब कहां से लिया गया अमेरिका के संविधान से ठीक है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भारत में लोकपाल और लोकायुक्त का पद निम्नलिखित में से किस पर आधारित है ब्रिटेन के संसदीय आयुक्त पर स्कैंडवियन लोकपाल पर या रूस के प्रोक्यूरेटर जनरल पर या फ्रांस की राज्य परिषद पर किस पर आधारित है लोकपाल और लोकायुक्त देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भारत में लोकपाल है कौन है भैया लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष साहब लोकपाल का कार्यकाल कितना होता है पांच बटे सत्तर या तो पहले पांच वर्ष पहले पूरा हो जाए या वो सत्तर वर्ष के पहले पूरा हो जाए उत्तर प्रदेश के अगर लोकायुक्त की बात करेंगे तो कितने साल कार्यकाल है आठ साल ये याद रखना है उत्तर प्रदेश वाले जरूर याद रखेंगे उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त का कार्यकाल है आठ साल ठीक है भैया क्लियर है भैया लाइक कर देंगे सेशन को हमारे साथ साढ़े आठ सौ लोग जुड़े हुए हैं लाइक जरूर कर दीजिए अगर अच्छा लग रहा हो फटाफट लाइक कर दीजिए लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए अच्छा लग रहा हो क्लास तो ठीक है भैया बात समझ में आ गई तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया बेसिकली ये मामला है स्वीडन का और स्वीडन किसका पार्ट है स्कैंडोनेवियन कंट्री का जब भी स्केंडोनेवियन कंट्री की बात करते हैं तो एनएसडीआई याद रखना है एनएसडीआई एनएसडीआई ये सब स्कैंड कंट्रीज है एन फॉर नॉर्वे जियोग्राफी का क्वेश्चन है ये एस फॉर स्वीडन डी फॉर डेनमार्क ठीक है और आई फॉर आइसलैंड नॉर्वे स्वीडन डेनमार्क आइसलैंड को हम लोग कहते हैं स्कैंडवियन कंट्रीज अगर कभी आपसे बाल्टिक कंट्री पूछा जाए तो बाल्टिक का मतलब आल एस्टोनिया लाटविया लिथुआनिया ये आपके बाल्टिक कंट्रीज हो गए एन आपके कंट्री हो गए ठीक है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भारतीय संविधान द्वारा मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली उधार ली गई कहां से अमेरिका से कनाडा से यूके से फ्रांस से दो बार लाइक कर दिया भैया दो बार कैसे लाइक कर दोगे विनोद प्रजापति नटखट बच्चे हो एकदम नॉर्वे स्वीडन डेनमार्क आइसलैंड एन याद हो गया आल याद हो गया भैया बाल्टिक एस्टोनिया लाटविया लिथुआनिया ठीक है भैया आंसर करते रहिए कुछ बच्चे कह रहे हैं तो सर आपने बाल क्यों उड़वा दिए अरे भैया बाल कोई आदमी के फैशन में थोड़े उड़वा एक हिंदू धर्म में एक परंपरा होती है एक रिवाज होता है कि जब भी कोई परिवार में निधन होता है तो एक दसवाँ संस्कार एक तेरहवीं संस्कार होता है दसवें संस्कार में शुद्धिकरण होता है उस शुद्धिकरण में बाल बनवाने का प्रथा होती है तो उसी के तहत हमारे ताऊ जी का निधन हो गया था तो उसी के कारण ये बाल बने हुए हैं ये मत सोचेगा मैं एकदम साकाल बन के आया हूँ सामने ठीक है ना साकाल बन के नहीं आया हूँ एक जो एक परंपरा होती है हिंदू धर्म में उसको फॉलो किया है ठीक है भैया बहुत बच्चे लिखते हैं सर ये कौन सा लुक बनाया है आपने बहुत स्मार्ट लग रहा है कुछ लोग कह रहे हैं सर अच्छे नहीं लग रहे हैं कुछ बच्चे लिखते हैं आप एकदम परेश रावल की तरह लग रहे हैं कुछ लोग कहते हैं सर किरण रिजिजू लगते हैं तरह तरह के आप लोगों ने नाम दिए हैं लेकिन मेरा नाम है आलोक महेंद्र कहें बहुत अच्छा लगता है बाकी लोगों का है तो जिस तरीके से आप संबोधन करते हैं प्यार से अच्छा लगता है आंसर कीजिए भाई इसका बिल्कुल सही है जितने लोग कनाडा आंसर कर रहे हैं एकदम सही उत्तर है ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे संविधान में समवर्ती सूची की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है समवर्ती सूची की विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है जापान से आइलैंड बताए दे रहे होन्सू है होकेडो है क्यूसू है सिकोको है ये सब आइलैंड्स है कहां पर जापान में जापान में 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा शहर पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी शहर पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे याद रखना है ठीक है आयरलैंड अगर आयरलैंड की कैपिटल की बात करते हैं तो डबलिन आयरलैंड की कैपिटल है और यहां से डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व तो यहां से लिए गए हैं अमेरिका के बारे में अभी हमने बताया राष्ट्रपति का पद उपराष्ट्रपति का पद मूल अधिकार महाभियोग प्रक्रिया लेकिन समवर्ती सूची अगर पूछा जाएगा तो यह कहां से है ऑस्ट्रेलिया से ठीक है भैया याद रहेगा ना चलिए अगला क्वेश्चन आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन की अवधारणा निम्नलिखित में से ली गई है कहां से जर्मनी से संयुक्त राज्य से या जापान से या ऑस्ट्रेलिया से अभी हमने बताया भाई बहुत आसान है कि मौलिक अधिकारों के निलंबन की अवधारणा कहां से ली गई है अभी हमने बताया तुरंत कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया देखो भाई अभी हमने कहा प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट महाभियोग बताया ना मूल अधिकार सब बताया मैंने और सब कहां से लिया गया ये सब का सब लिया गया है अमेरिका से लेकिन आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के निलंबन की जो प्रक्रिया है वो जर्मनी से क्योंकि ये जो आपातकालीन उपबंध है आर्टिकल तीन में राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल वित्तीय आपातकाल आज तक भारत में कभी भी नहीं लगा उन्नीस में वित्तीय आपातकाल लगने जैसी नौबत आई थी लेकिन मनमोहन सिंह साहब के सूझबूझ से उस समय एक मॉडल अपनाया गया एलपीजी लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन बाद में इसमें और जोड़ दिया गया मार्केटाइजेशन को जोड़ दिया गया और भारत जो फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी थी जो फाइनेंशियल क्राइसिस था उस समय उससे जूझ रहा था और उससे उबर गया इस मॉडल को अपनाने के बाद में तो एलपीजी मॉडल एडॉप्टर इन 1991 जब उदारीकरण का दौर आया तब इस मॉडल को अडॉप्ट किया गया ठीक है अब देखो यहां पर समझना है तीन घटनाएं हुई जब भारत में आपातकाल घोषित किया गया ठीक है इंडो चाइना बार इंडो पाक बार एंड वेन इंदिरा गांधी डिक्लेर्ड एन एमरजेंसी टू नेशनल सिक्योरिटी ड्यू टू इंटरनल डिस्टर्बेंस ठीक है अब आंतरिक अशांति यह बेसिकली आंतरिक अशांति था जो कि चवालीसवें संविधान संशोधन से क्या किया गया इसको सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया चवालीसवें संविधान संशोधन से राष्ट्रीय आपातकाल की एक कंडीशन को सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया आंतरिक अशांति को ठीक है अगला प्रश्न स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व के विचार कहां से लिए गए हैं संयुक्त राज्य स्पेन ग्रीस या फ्रांस आंसर करिए टेक्निकल टीम एक बार कमेंट एक बार हमारा लिंक शेयर किया जाए बच्चे लिंक देख सके टेलीग्राम का देखिए लिंक टेलीग्राम का शेयर हो रहा है इस पर आप लोग क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है हमसे जुड़ सकते हैं सीधे टेलीग्राम चैनल पर सीधे सीधे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं ये लिंक आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं इस पर क्लिक करेंगे और सीधे आलोक महन्द्रास के टेलीग्राम चैनल पर जुड़ेंगे आंसर करिए भाई देखो स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व ये सारे के सारे विचार लिए गए फ्रांस की क्रांति से कहां से लिए गए फ्रांस की क्रांति से तो ये आपको याद रखना है फ्रांस की कैपिटल की बात करते हैं पेरिस पेरिस कौन सी नदी के किनारे है तो सीन नदी के किनारे पेरिस बसा हुआ है अगर हम ग्रीस की बात करते हैं तो याद रखिएगा जब भी ग्रीस की बात आती है तो एथेंस का नाम जरूर आता है ठीक है स्पेन की बात आती है तो मेड्रिड ये आप लोग जरूर याद रखेंगे और स्पेन का एक गेम है बुल फाइटिंग कौन सा है बुल फाइटिंग यहां का स्पेन का एक गेम है आप लोगों को ये याद रखना है जिसको हम लोग नेशनल गेम भी कहते हैं स्पेन का ठीक है अब देखिए यहां पर स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व भी फ्रांस और हेती गणराज्य का आदर्श वाक्य है याद रखना है इस आदर्श वाक्य का पहली बार फ्रांसीसी क्रांति सत्रह नवासी में उपयोग किया गया ठीक है भाई कब उपयोग किया गया फ्रांसीसी क्रांति में सत्रह नवासी में उपयोग किया गया अगला प्रश्न भारतीय संविधान के बारे में क्या कहा जा सकता है पूरी तरीके से कठोर है पूरी तरीके से लचीला है आंशिक रूप से कठोर है आंशिक रूप से लचीला है ना तो कठोर है और ना ही लचीला है आंसर करिए भाई बिल्कुल फ्रेंच रेवोल्यूशन है भैया आपका भी नाम ईसानी जी ले लिया आप तो बड़ा बढ़िया आंसर करते हैं आंसर करिए भाई आंसर करो भाई कह रहे हैं आंशिक रूप से कठोर है वो आंशिक रूप से लचीला है एकदम सही है देखो सभी देशों के संविधान का निचोड़ है और यही से जो संविधान सभा बनी किसकी अनुशंसा पर बनी थी संविधान सभा तो याद रखिएगा कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर संविधान सभा बनी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहला बैठक हुई एस सी सिन्हा साहब इसके अध्यक्ष थे और संविधान सभा के पहले स्थाई अध्यक्ष अगर पूछा जाएगा तो राजेंद्र प्रसाद बाबू थे और ये पहले स्थायी अध्यक्ष और ये पहले अध्यक्ष तो यहां पर याद रखना पहले स्थायी पूछा जाए तो राजेंद्र प्रसाद पहले अध्यक्ष पूछा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा सचिदानंद सिन्हा अगला प्रश्न भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता अमेरिकी संविधान से नहीं ली गई है प्रस्तावना एकल नागरिकता न्यायिक समीक्षा मौलिक अधिकार आंसर करिए सबसे पहले पंजाब कहेंगे राष्ट्रपति शासन सबसे पहले पंजाब में ठीक है अगर राष्ट्रपति शासन पूछा जाए सबसे पहले पंजाब होगा भैया लाइक कर दीजिएगा सेशन हमारे साथ लगभग हजार लोग जुड़े हुए हैं लाइक जरूर कर देंगे लाइक बटन को प्रेस करिए अगर अच्छा लग रहा हो क्वेश्चंस क्वेश्चन का लेवल और सारा जो मैंने पहले पूरा दिल्ली सल्तनत डिस्कस किया मजा जरूर आया होगा हर एक क्वेश्चन को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दिया अब दिल्ली सल्तनत से भी क्वेश्चन हम लोग लेकर के आएंगे ठीक है बिल्कुल परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है सही उत्तर क्या हो गया एकल नागरिकता ठीक है चलिए अगला प्रश्न भारत के संविधान को बनाने हेतु एक संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया एम एन राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुस्लिम लीग या सभी दलों का सम्मेलन देखो संविधान सभा भी हमने बताया किसकी अनुशंसा पर कैबिनेट मिशन की लेकिन यह जो विचार है वो एम एन रॉय के द्वारा दिया गया था ठीक है तो यहां पर हम लोग लेते हैं विराम और यह देखिए मैं एक बार फिर से आपको यहां पर डिस्कस किए दे रहा हूं पांच सौ निन्यानवे रुपए में आपको बिहार एस SI आई मींस का ट्वेंटी फाइव डेज प्रोग्राम यहां पर मिल रहा है जनरल स्टडीज सारे बच्चे हमसे जुड़ेंगे जो भी बच्चे बिहार एस SI की तैयारी कर रहे हैं यहां पर जुड़ना बहुत जरूरी है तो जल्दी से हमसे यहां पर जुड़ जाएंगे 12 तारीख से 12 मार्च से आपका ये बैच स्टार्ट हो रहा है ठीक है और कल की क्लास में जुड़ना बिल्कुल मत भूलेंगे ये है आपका पार्ट नंबर टू जिसमें हम लोग संपूर्ण जानकारी यानी कि वहां पर हम लोग तुगलक वंश सैयद वंश और लोधी वंश के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं ठीक है सैयद वंश लोधी वंश के बारे में भी डिस्कस करेंगे तो आज के लिए इतना ही रखते हैं आज का भैया सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक बटन को फटाफट प्रेस कर दीजिए कमेंट कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा देखिए मैंने बताया जो भी सेशन चाहते हैं अपने नाम के आगे अपना कॉन्टैक्ट नंबर जरूर छोड़ना है कौन सा लाइव गुरु में आप लोग इंटरेस्टेड है ठीक है शेयर करना मत भूलिए और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करिए आज के लिए इतना ही रखते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन